हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है और उसके लिए अब लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिशें भी हो रही हैं। वहीं इस बीच महिला थाना पुलिस ने भी मोर्चा संभाला है। हिसार रोड पर बस स्टैंड के नजदीक महिला थाने की टीम ने बुधवार दोपहर चालान काटने का अभियान चलाया। इस दौरान बाजार में बिना मास्क पहने आ रही महिलाओं और युवतियों के चालान काटे गए। इस अभियान में करीब 2 दर्जन चालान काटे गए और सभी से 500-500 रुपए का नगद जुर्माना वसूला गया। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको पहली बात तो हम जागरूक कर गए हैं, फिर भी समझाने के बाद नहीं मान रहे तो हम उनके चालान करते हैं। कई लोग आते हैं हमारे साथ जिद्दी करते हैं, क्या करते हो आप, इतने 100 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो, हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करें जी, हमारे से पीछे से सरकार से 500 रुपए की पर्ची रजिस्टर्ड है। तो हम लोगों को जागरूक भी करते हैं, वो अगर कोई ज्यादा ही वो करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं।